आज करेंगे किसी को एक्सपोज, जो कहती है सब है चाटू, है Hi ये guys, खुद how are you? चाटू। Assalamu alaikum. I hope everyone's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming to person my home, brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much, but I'm here with my beautiful YouTube family. Chak de, patte, nap de, gilli, thoko, tali, jo hum har baar thokte rehte aur thokte rehenge. Wo thokna isliye zaruri hota hai, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, असल में होते नहीं है, असल में वो लोग डम होते हैं। डम डम डम, डिगा डिगा, मौसम है भिगा भिगा। जी चले जी, बात कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सितारा के बच्चों को लोग नहीं छोड़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने सितारा पे जना का इल्ज़ाम लगाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सितारा के दुश्मनों के साथ शेकहैंड किया, हाथ मिलाया, ये वो लोग हैं जो सितारा के बिहाइंड उसकी माँ को भी गलत मलत कहते रहे, सितारा को भी कहते रहे हैं, और जिस साजिद को भी कहते रहे। लेकिन अफसोस की ये बात है कि साजिद इन लोगों के साथ जो है दिल से मोहब्बत, दिल से चाह, दिल से सब कुछ करता है, दिल दिल दिल, ओ माई गॉड, दिल दिल पाकिस्तान। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोगों का इतना अच्छा पाकिस्तान है तो फिर इमरान खान के साथ क्या किया गया, उसको अंदर क्यों डाला, उसके साथ बेइंसाफी क्यों की गई, छोटे बच्चों का रेप क्यों किया गया, बूढ़े लोगों को मार कुट, इवन के बूढ़ी औरतों का भी रेप किया गया। चोरी चकारी तो मामूली सी बात है, फ़ोन खींचना, फ़ोन लेना, और जी बाहर से लोग आए उनके साथ गंदा फेल करना, उसके बाद उनकी जायदाद ले लेना। अभी पिछले दिनों की बात है, एक बंदी यहाँ से गई अपने बच्चों को लेकर, पहली बार अपने बच्चों को लेकर वो पाकिस्तान पहुंची है, एयरपोर्ट पर ही कॉल कर दी पुलिस वालों को, आजो जी हलवा रेडी है, आजो जी मैंगो आ चुके हैं, आजो जी दोनों हाथ आके अपने धो लो। ये मुल्तानी कहती है हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ये मुल्तानी कहती है हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और यही मुल्तानी अपनी ही वीडियो पे और अपनी ही लाइव में फिर कल बोल रही कि जी चीख चीख के ये बंदी बोलती है और ये कहती है। चीखना तो हर एक को खैर आता है, चीख तो हम भी बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, लेकिन जी ये मुल्तानी अनपढ़ जाहिल औरत कहती है, गवार औरत कहती है कि जी आप लोग पाकिस्तान के लिए बात करें। अभी जो दो दोस्त मरे हैं उनके ऊपर बात करें, भाई दोस्त ने दोस्त के साथ दगाबाजी की, जैसे मुल्तानी ने सितारा के साथ दगाबाजी की, सितारा को बना दिया जानी इस औरत ने, दगाबाजी इसने मरियम फहाद के साथ की, आमना के साथ हाथ मिलाया, उस आमना के साथ जो आमना इसको ठोक रही थी, इसने उस टाइम इसके आमना के साथ हाथ मिला के रखा, क्यों रखा, दोस्ती ना, मरियम मुल्तानी की दोस्त थी तो मुल्तानी दोस्त का मुजाहरा करती, ये कहती है कि यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया पाकिस्तान में, इंसान को यहाँ पे इंसाफ चाहिए, यहाँ पे हक सच की बात करनी चाहिए। तो मुल्तानी बीबी आप पहले ये तो बता दो कि आपने मरियम के साथ दगाबाजी क्यों की, जहाँ पे आमना इसको ठोक रही थी, मरियम को गंदा गंदा कह रही थी, उसके मिये पर, मरियम पर, सब पे वो बातें कर रही थी, बिशक वो अपने पॉइंट रख रही थी, जो कुछ भी वो कर रही थी बिहाइंड द कैमरा तुम उससे बातें कर रही, तुम्हें तब शर्म हया ना आई। अब तो वो दोस्त मर गए, वो चले गए, तुम तो जिंदा बैठी हो ना, तुम्हें शर्म हया ना आई कि तुमने दगाबाजी इसके साथ मरियम के साथ की, तुम्हें शर्म हया ना आई कि अपनी लाइफ में बैठ के तुम सोनिया की लाइफ को टारगेट कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी चमचियां नीचे लिख रही होती है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम आकर ये कहती हो तुम्हारी चमचियां नीचे लिखती कि ठोकने वाले मेरी वीडियो के मैसेज भी तुम लोगों को बुरे लग रहे, मेरी वीडियो के नीचे अगर आके तेरा सिस्टर अप्रिशिएट कर जाती है, बोल कर जाती है कि बंदी सच बोल रही है, तुम लोगों को वो भी अपनी लाइवों में डिस्कस करना है, वाह ठोको ताली, तभी तो कहती हूँ ठोको ताली। और ये ऐसी बेवकूफ औरत है, मेरे ही लफ्ज बोलती है बैठकर, हैं ओए होए होए, फिर कहती है मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, ये कहती है जी यहाँ पर वफादारी होनी चाहिए, ये कहती है दो दोस्त मर गए, घर उजड़ गया, माँ का ये हो गया, तो आपने क्या किया, आपने भी तो वफादारी निभानी थी सितारा यासीन से, आप भी तो करती ना, पर आपने नहीं किया।
आपकी जलन, आप लोगों को कहते हैं ना लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, फलान करते हैं, ढींग करते हैं, तो आप क्या कर रही हैं मुल्तानी साहिबा, आप भी जल रही हैं, कुड़ रही हैं, तड़ आपकी जलन की जलन अभी भी वैटी पे ना यू छिकासा छिकास घूम रही है। आपकी जलन, आपकी वजह से तेरा सिस्टर को अपने फीडबैक करने पड़े, आपकी वजह से। आप जैसे लोग होते हैं, आप जैसे जो आकर यहाँ पे नवाज शरीफ ते शबाब शरीफ ते नन्नी नू बड़ा ही चाहते हो, बड़ा चाटते उन लोगों को, लेकिन इमरान खान आप जैसे गंदे गलीस अंडे होते हैं जो इमरान खान को उठा के जेल में डाल देते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। इसी तरह यहाँ पर आकर तेरा सिस्टर ने सच बोला। क्या किया उस बंदी ने? तुम्हारी कौन सी दुम पे पाऊं रखा था? बिया ने कौन सा तुम्हारी दुम पे पाऊं रखा था? या सैम ने कौन सी तुम्हारी दुम पे पाऊं रखा था? या फिर सोनिया की लाइफ को जो तुम बैठकर टारगेट कर रही हो? ये बंदियां अपनी लाइफ करती हैं, सच बोलती हैं, जो उस तारा की वीडियो पे नजर आता है उस बात पे ये लोग आकर अपना पॉइंट रखती हैं। सोनिया ने लाइव की, उसने पॉइंट रखा। हमने तो नहीं कहा सितारा को, हम गए उसके घर में, कहा सितारा उठो, उठकर थंबनेल ये लिखो। हमने उसको स्कूल से निकाल लिया, हमने कहा अपनी बेटी का नाम लिखो, हमने कहा या तुमने कहा जाहिल गवार औरत, किसने कहा? अब आप खुद सुने इसकी जबानी ये क्या बकवास कर रही है। सारा दिन रगड़ने से बेहतर है, जैसे कि अभी मुझे कमेंट से पता चला, इतने सारे कमेंट है उनसे पता चला है, सारा दिन आज आयत डिस्कस होती रही है, अपने बच्चों का पता हो ना हो आयत डिस्कस होगी, इतनी इंपॉर्टेंस सितारा के लिए। हमें तो चाटू कहते कहते हो, खुद कितने चाटू हो ये भी बताओ, ठीक है ना? ये भी चाटना ही होता है, किसी भी तरीके से घूम फिर के उसी को टारगेट करना, इसको चाटना ही कहते हैं। तो बात ये है जी गाइस, और इससे पहले ये बंदी कह रही थी मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहती, लोग मुझे क्यों टारगेट करते हैं? पता है यार मैंने किसको क्या टक्कर मारी है, बाकी वर्दा जाने और वर्दा के वो दोस्तें थी, ठीक है जी, मेरी मेरे साथ तो नहीं थी ना उनकी फ्रेंडशिप, उसकी फ्रेंडशिप वो जाने और वो जाने, लेकिन मुझे अपना पता है कि मेरी मैंने किसी को कोई टक्कर नहीं मारी। सुन लिया आपने, इसके हैं दो फेस, मैं तो दो फेस नहीं कहूँगी, चार फेस कहूँगी। एक साइड पे चाटू चाटू करती है, कल की लाइव इसने लगाई जिसके अंदर इसने सोनिया को, मीरब सिस्टर को, मुझे, आयशा सिस्टर को, हम सबको इस औरत ने टारगेट किया। बात तुम कहीं की करती हो, टैग तुमने ठोक के, ये ठोक के तूने टैग और टैग लगाने हैं भाई। यहाँ पे चाटू कौन है? ना तो यहाँ पे सोनिया चाटू है, ना मीरब सिस्टर चाटू है, ना कोई और चाटू है, सबके ऑन चैनल है, सब अपने चैनल पे काम करे। यू आर द चाटू, यू आर द चाटू मोटी भैंस, यू आर द चाटू। तुम्हारी बंदियां कहती हैं वो पागल होगी हैं, सोनिया पागल ही है, यू आर द मेंटल वुमेन, समझ आ रही है तुम्हें? तुम बेवकूफ औरत हो, तुम्हारी वो चमचिया जो नीचे मैसेज लिख रही थी दे धना धन, यहां से तो आप लोगों को पता लग जाता है ना कि आप लोग कितने पानी में हो, साफ खुन मखना पता लग जाता है। जैसे तुम अपनी लाइफ में बैठकर चीखती हो, चलाती हो, बोलती हो, यह कर दो वो कर दो, कुछ नहीं है, तुम खुश किस वजह से हो, क्यों हो? तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा जो उल्लू है ना वो सीधा हो रहा है, तेरा सिस्टर तो वापस आ नहीं सकती है ना, इसलिए तुम खुश हो रही हो। तुम इसलिए भी खुश हो रही हो कि मैं तो आराम से चिल मोड में बैठी हूँ, कह रही थोड़ी को थोड़ा करो, लेकिन मेरे बदले में लोग लगे हुए ठोकने के लिए, मेरे बदले में लोग ठोक रहे हैं। तुम यहाँ पे बैठकर शॉबी 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 करती हो, उसकी बीवी को शॉर्ट आउट दे रही, उस गंदे आदमी को शॉर्ट आउट, तुम्हें क्या लगता है? जाहिर बात है जितनी गंदी जहनियत होगी उन्हीं को तुम शॉर्ट आउट दोगी ना, भाई कहती हो तुम उसको, है ना, वाह ठोको ताली, जाहिर बात है भाई कहना है, भाई कहना है तुमने, और कहना क्या है तुमने? जाहिर बात है बहनों को भाइयों को ज्यादा पता होता है, वो बगैरती दिखा रहा है, उसने सितारा को नंगा करके रख दिया है, लेकिन ये कहती है मैं किसी को गाली क्यों दूं, मैं नहीं किसी को गाली वाली दे, कहती है मैं नहीं सितारा के बच्चों के लिए गाली सुन सकती, सितारा के बच्चों के लिए उसके माँ बाप हैं, वो आए रिश्तेदार वाले आए, तो तुम यहाँ पे बैठ गई सितारा की चोटी चोटी कर रही है, वो करना फिर तुम बंद कर दो, वाई यू छाड़िंग, हाँ वाई, क्योंकि तुम्हें मजा आता है ना, इसलिए तुम इस तरह के काम करती हो। तुम भो इस वैटी पर एक फसाद जो तुमने बर्पा किया हुआ है और अभी भी अपने पीछे लोगों को लगाया हुआ है बिहाइंड द कैमरा, लोगों मेरी बहनों ये बंदी है और इसके आगे मोरे जो चल रहे हैं ना वो इसके मोरे चल रहे हैं,
अगर तारा सिस्टर को कॉल भी करवाई गई है ना, इसने जोर जबरदस्ती का है कि इसको हमने तारा सिस्टर को रस्ते से बिल्कुल हटा देना है, उसको सफाया कर देना है, ताकि बस मेरा नाम हो, औरों का नाम हो, और कौन जो इनके हैं, जो इन्हीं को ठोकते हैं, इनका नाम और उनका नाम, और बाकी सब यहां से गुमगमा हो जाए, गुमगमा हो जाए। जब भी सोनिया मरियम के लिए आवाज उठाती है, उसकी आवाज को भी दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता? कौन है दबाने वाली? ये वो बंदी है दबाने वाली। यार मुझे तो मरियम पे आता है कि पढ़ी लिखी औरत हो के भी इसकी चाल ना वो समझ सकी, इसकी चाल ना वो समझ सकी। तो ये बहुत सारी बातें थी, मैं लाइव भी कर सकती थी बट मैंने लाइव नहीं की। मैंने कहा वीडियो डालती हूँ, उनको जवाब दूं कि पागल मेंटल ये है, चाटू ये है, इसकी वो चमचियां हैं, ये जो सबको, सोनिया को, मिरब सिस्टर, आयशा होगी, मुझे बीच में ला, सबको ये जो टारगेट कर रही थी ना, इसका असल चेहरा तो दुनिया के सामने है ना। किसने बहन बना के बहन को तबाह बर्बाद किया है ना जी? ये कहती है सलमा पे बात नहीं करती, सलमा पे तो मैं भी बात करती हूँ, सोनिया भी बात करती है, और लोग भी उसके ऊपर बात करते हैं जहां पे वो गलत करती है, हम लोग बोलते हैं। तुम ही डेफ हो जाओ, तुम ही ब्लाइंड हो जाओ, तो इसमें लोगों का लेना देना नहीं है। समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है? किसी और को कोई इधर लेना देना नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है ना, सारी बात है, आप छोटी को छोटा, छोटी को छोटा, दिमाग भी छोटा है, भूसा भरा हुआ है उसमें, समझ में मुझे तो कुछ आती नहीं है, चाटना आता है, और साथ में दूसरों को कहकर तुम लोग भी थोड़ा सा ठोक के रखो, ठोक के रखो, वो करते हैं, ये तुम्हारा हाल है। चले जी, इन लोगों को बताना बहुत जरूरी था। आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, मीठी मीठी रोस्टिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।